नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। डालिए नजर एब्सोल्यूट रील ऑफ द वीक पर, जानने के लिए क्या कुछ खास हुआ इस हफ्ते बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। रिसेंटली उनकी पत्नी ने एलिगेशंस लगाए कि नवाज ने उन्हें और उनके बच्चों को घर में एंट्री नहीं दी। इस बात को क्लैरिफाई कर नवाज ने कहा कि वह प्रॉपर्टी उनकी मां के नाम पर है और वही डिसीजंस लेती हैं। जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया अक्सर स्पॉट होते हैं, इनके रिलेशनशिप की खूब चर्चे हैं। इसी बीच जानवी कपूर को मुंबई एयरपोर्ट पर पिता बोनी कपूर, बहन खुशी कपूर के अलावा शिखर पहाड़िया के साथ देखा गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। फरहान अख्तर जल्द ही अपने ऑस्ट्रेलिया टूर पर निकलने वाले थे, बट अब उनका एक टूर कैंसिल हो गया है। फरहान ने खुद अपने सोशल मीडिया के थ्रू सबको ये जानकारी दी है, उसी के साथ उन्होंने सबसे माफी भी मांगी है। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन का एक लेटेस्ट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऋतिक रोशन ने एयरपोर्ट पर गर्लफ्रेंड सबा आजाद को किस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। सुष्मिता सेन को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया था। एक पोस्ट शेयर कर उन्होंने इस बात के बारे में सबको बताया। यह हार्ट अटैक की वजह से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें एंजियोप्लास्ट करवाना पड़ा। फिलहाल सुष्मिता की तबीयत ठीक है और एक्ट्रेस ने एक फोटो शेयर कर ये जानकारी दी है। बहुत जल्द 95th ऑस्कर पुरस्कार का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस बीच बॉलीवुड के लिए अच्छी खबर है। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 95th ऑस्कर में प्रेजेंटर के तौर पर नजर आएंगी। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान हाल ही में बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। मुंबई के रहने वाले किरिट जसवंत शाह ने गौरी खान के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज करवाई थी। किरिट जसवंत का आरोप है कि उन्होंने गौरी खान के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर लखनऊ में तुलसी यानी बिल्डर्स का एक फ्लैट बुक कराया था, लेकिन 80 लाख रुपए देने के बावजूद उन्हें फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया गया। एक्टर कार्तिक आर्यन ने दिया अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज, टीजर शेयर कर की भूल भुलैया 3 की अनाउंसमेंट। इसके साथ ही एक्टर ने फिल्म की रिलीज डेट भी रिवील की। यह फिल्म 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म तू झूठी मैं मक्कार में सरप्राइज एलिमेंट में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में कार्तिक का कैमियो अपीयरेंस होगा। 24 फरवरी को करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म सेल्फी रिलीज हुई थी। इस फिल्म के कलेक्शन को लेकर कंगना का दावा है कि इस फिल्म ने पहले दिन 10 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई भी नहीं की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अवर चैनल एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वेबसाइट।